अयोध्या में मुस्लिम पक्षकार हामिद अंसारी के बेटे को निमंत्रण, मुस्लिम पक्षकार हामिद अंसारी के बेटे को निमंत्रण भेजा गया है। इकबाल अंसारी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से निमंत्रण मिला है। इकबाल अंसारी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया है। विशिष्ट जन के रूप में मौजूद रहेंगे इकबाल अंसारी और मुस्लिम पक्षकार हामिद अंसारी के बेटे को भी निमंत्रण भेजा गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा गया है। इकबाल अंसारी को प्राण प्रतिष्ठा में आने का भी निमंत्रण भेजा गया है। तो लखनऊ में कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे कौशल किशोर। कंबल वितरण कार्यक्रम में मंत्री कौशल किशोर पहुंचे, जहां जरूरतमंदों को कौशल किशोर कंबल बांटते हुए नजर आए। जरूरतमंदों को सांसद कौशल किशोर ने कंबल बांटी है। सरोजनी नगर तहसील में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां जरूरतमंदों को कंबल बांटी गई है। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे थे जरूरतमंद, जिनके बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इसी दौरान ये तस्वीरें लखनऊ की है, जहां कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान कौशल किशोर मौजूद रहे। तो ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी और अहम खबर लगातार आपको पहुंचा दें। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट, जो है एसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला टाल दिया गया है। एसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के फैसले को फिलहाल टाला गया है। मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 24 जनवरी नियत की है। कोर्ट ने एसआई को दिया 4 हफ्ते का और समय। तो कोर्ट की तरफ से एसआई को 4 और हफ्तों का समय दिया गया है। अभी सील बंद लिफाफे में रखी जाएगी सर्वे की रिपोर्ट, जिस पर आज फैसला होना था। रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के मसले पर आज फैसला होना था, जिस पर फिलहाल अभी इस फैसले को टाला गया है। और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर 4 हफ्ते का मांगा था समय। एसआई ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर 4 हफ्ते का समय मांगा था। फिलहाल कोर्ट की तरफ से एएसआई की टीम को 4 हफ्ते का और ज्यादा समय दे दिया गया है। लखनऊ पहुंची कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। तो कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा लखनऊ पहुंची, जहां यूपी जोड़ो यात्रा का आज समापन भी होना है। यूपी जोड़ो यात्रा का आज समापन होना है। आपको बता दे चले कि शहीद स्मारक पर यात्रा का समापन, शहीद स्मारक पर यात्रा का समापन हुआ है। और आपको बता दें कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची, जहां भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में निकाली गई थी यात्रा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी रहे मौजूद। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का समापन हुआ है। राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का आज लखनऊ में समापन हुआ है, किस तरीके से जनाधार मिलता हुआ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नजर आए हैं? देखिए मुस्कान जी, आपको बता दें कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आज सहारनपुर से चलकर आज लखनऊ पहुंची है। और अगर देखा जाए तो जनता ने एकदम जोश और खरोश के साथ लखनऊ में आज यूपी जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है और शहीद स्मारक पर इस यात्रा का समापन भी किया गया है। और अगर देखा जाए तो भारी संख्या में यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे, वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भीड़ एकदम उनके भीड़ के अंदर एकदम जोश और खरोश था, देखने में लग रहा था। और दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस के जो भी वहां पे वरिष्ठ नेता थे, उनका कहना था कि बीजेपी को 2024 में भगाना है, इसलिए हमारी आज यूपी जोड़ो यात्रा लखनऊ में पहुंच चुकी है। जी मुस्कान जी, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतापगढ़ में डिलीवरी के बाद ब्लड चढ़ाने से प्रसूता की मौत की खबर है। डिलीवरी के बाद ब्लड चढ़ाने से प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल के सामने जोरदार हंगामा किया। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं। प्राइवेट अस्पताल संचालक हॉस्पिटल बंद कर मौके से फरार हो गया और अस्पताल संचालक अस्पताल में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया, जहां डिलीवरी होने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया है। इस दौरान सभी परिजनों ने मिलकर अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कंधई थाना क्षेत्र के असलपुर की रहने वाली है मृतक महिला।
सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के बगल अनम हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां ब्लड चढ़ाने के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई है। डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत से हंगामा मच गया है। इस दौरान अस्पताल संचालक अस्पताल में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। वही परिजनों ने अस्पताल के सामने ही जमकर हंगामा किया है। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं। प्राइवेट अस्पताल संचालक हॉस्पिटल बंद करते हुए मौके से फरार हो गया है। डिलीवरी होने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया है। कंधई थाना के आसलपुर की रहने वाली है मृतक महिला। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस सूचना मिलते ही जांच पड़ताल में जुटी है। अनम हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया गया है। मेडिकल कॉलेज के बगल में संचालित होता है अनम हॉस्पिटल, जहां डिलीवरी के बाद ब्लड चढ़ाने से प्रसूता की मौत हो गई है। प्रेम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए प्रेम, ये लगातार कहा जा रहा है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत हो गई है। सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और अभी इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है। प्रेम जी बिल्कुल, जनपद प्रतापगढ़ के प्रयागराज प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज के बगल का पूरा मामला है, जहां अनम हॉस्पिटल कई दिनों से प्राइवेट तरीके से चल रहा है। बिल्कुल बताते कि प्रसूता की हालत पूरी तरीके से गंभीर बताई गई, जहां पर प्राइवेट पर भरोसा करते हुए मौके पर परिजनों ने जो है अस्पताल में ले गए और अस्पताल में इलाज के दौरान जब प्रसूता की डिलीवरी हो गई तो डॉक्टरों ने बताया कि उसे ब्लड की कमी है। और इस दौरान ब्लड की कमी बताते हुए परिजनों का जिस तरीके से आरोप है कि ब्लड जो है उनको गंदा चढ़ाया गया, जिस वजह से प्रसूता की मौत हो गई। इधर मौत के बाद परिजन पूरी तरीके से उनके परिवारजनों के साथ वो भारी संख्या में जमावड़ा होता गया। लोग लगातार विरोध करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। सूचना के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और सीएमओ प्रतापगढ़ भी सूचना पर पहुंचे। बिल्कुल बता दें कि मौके स्थिति के अनुसार हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं वहां पर पूरी तरीके से फरार हो चुके हैं, मौके पर मौजूद नहीं है। और सीएमओ प्रतापगढ़ ने हॉस्पिटल को सीज करते हुए और रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। जी लेकिन देखिए प्रेम, ये बड़ी लापरवाही है। इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है क्या? बिल्कुल बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से प्रतिक्रिया इस तरीके से सामने आई है कि हॉस्पिटल किस तरीके से चल रहा था, हॉस्पिटल की पूरी गहनता से जानकारी के लिए क्या कोई परमिशन था या नहीं था, इन सारी चीजों पर सीएमओ प्रतापगढ़ ने हॉस्पिटल को सीज करते हुए। लेकिन क्या ऐसे मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ये चेक करेगा अपने रजिस्टर में कि रजिस्ट्रेशन था या नहीं था, मानक थे या नहीं थे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से सीएमओ प्रतापगढ़ ने इस तरीके की वारदात सामने आने के बाद ऐसा कदम उठाया है, साथ ये समय रहते ही ऐसे कदम उठा ले तो ना ही ऐसी घटनाएं दोहराई जा सके और ना ही जनपद में ऐसी घटनाओं का लोग शिकार हो सके। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये प्रतापगढ़ में सीएमओ प्रतापगढ़ की लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री भले ही लगातार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ के गोमती में उतराता मिला शव। लखनऊ के गोमती में एक शव उतराता हुआ मिला है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है। तो उतराते हुए शव जैसे ही राहगीरों ने देखे, पुलिस को तत्काल सूचना दी गई है। वही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लिया है। बीकेटी थाना क्षेत्र के मंझी पुल के पास का ये पूरा मामला बताया गया, जहां गोमती में एक शव उतराता हुआ मिला है।